अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? दारा सिको। इसके मतलब बहुत ज्यादा लिबरल होने की वजह से इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाता है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा एक पैराग्राफ इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसका आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इसमें इसका बहुत ज्यादा योगदान था। ठीक ठाक, तो इसके वजह से इससे थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। लिखिएगा, ही वॉज, मतलब कौन? दारा सिको। ही वॉज वाइडली रिनाउंड एज एन इनलाइटेंड, एज एन इनलाइटेंड पैरागन ऑफ द हारमोनियस को एग्जिस्टेंस ऑफ हेट्रोडॉक्स ट्रेडिशंस ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये थोड़ी सी फिलोसफिकल बात आपको लिख के बताई गई है कि जो भारत में ये हेट्रोडॉक्स सोसाइटी थी ना, हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्म, ठीक है, वहाँ पर ये धर्म के बीच में एक हारमोनी, ये इतना लिबरल और टॉलरेंट था कि ये हर एक धर्म के यानी हिंदू मुस्लिम धर्म के बीच में एक हारमोनी, एक कोएग्जिस्टेंस लाने की बात करता था। अगर ये सुल्तान बनता तो शायद मुगल साम्राज्य का इतिहास कुछ अलग होता, हो सकता है मुगल साम्राज्य कुछ और लंबे समय तक चलता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही लिबरल और सबको साथ लेके चलने वालों में से था। बट जो साम्राज्य को चलाने की राजनीति यहाँ होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर नहीं थी। वो किसके अंदर थी? वो औरंगजेब के पास थी, तभी तो वो हर जगह जीतता चला गया। तो हो सकता है कि कहानी कुछ अलग होती, लेकिन जो नहीं हुई उसके बारे में बात क्या ही किया जाए। दारासिको सर सुल्तान नहीं बना, कौन बना? औरंगजेब। तो इतिहास वही है कि जो घटना घटी वही है, जो हो सकता था उसके बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, तो यहाँ भी हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन इसने कुछ काम किए थे जब ये क्या था, एज ए प्रिंस, तो इसने लिटरेचर वर्क में काम किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दारा वॉज ए फॉलोअर ऑफ द पर्सियन पेरेनलिस्ट, PERENNIALIST, पेरेनलिस्ट मिस्टिक सरमद काशानी एज वेल एज लाहौर्स फेमस कादरी सूफी संत हजरत मियाँ, हजरत मियाँ मिज थे, हजरत मियाँ मियाँ हुम ही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई मुल्ला सा बदक्सी यहाँ मीर मियाँ मीर मियान
नीड्स स्पिरिचुअल डिसाइपल एंड सक्सेस। कहानी सिंपल से इतनी बड़ी लाइन का कि जो दारा था वो पर्शियन जो इस्लाम था या जो इस्लाम का रूप था या वहाँ के जो क्या थे ये सरमद कशानी इनको फॉलो करता था। एक मिस्ट्रिकल यानी कि काल्पनिक जो वहाँ के मेन वो थे एक तरह से उनको वो फॉलो करता था। साथ में उसके ऊपर लाहौर के फेमस सूफी संत हजरत मियां मीर, क्या हजरत मियां मीर, सूफी संत जिनका नाम है हजरत मियां मीर, इनसे ये काफ़ी प्रभावित था और उन्हीं की बातों को ये ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करता था। तो आपको मैंने बताया था कि जब स्टार्टिंग में कि एक ईरानियन जो मतलब इस्लाम था और मतलब ईरान और पर्शिया वाला, उन्होंने अपने आप को अफगानियों से बिल्कुल अलग करके अपना कल्ट ही डेवलप अलग किया था, ठीक है ना। तो अफगान और ईरान, जो अफगान इस्लाम है और ईरान के इस्लाम है, इन दोनों के बीच में मुस्लिम्स के बीच में अपना अलग अलग एक तरह से देखा जाए तो थोड़ी सी कट्टरता टाइप की रहती है, ठीक है ना। तो ईरान अपना एक अलग ही ट्रेडिशन लेकर चलता है, तो वही ईरान यानी कि पर्शिया वाला जो सिस्टम था वो उससे दारासी को ज़्यादा प्रभावित था, उसी से अपने आप को अपना फॉलोवर उसी को मानता था यानी उसी को फॉलो करता था। और साथ में किसके द्वारा, संत जो थे सूफी संत हजरत मियां मीर, उनकी टीचिंग्स को ये अपने ऊपर अप्लाई करता था। ये सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना। लिखिएगा अच्छा हाँ एक चीज और लिखिए, ये जो थे शाह बख्शीस इनके बारे में लिख लीजिएगा एंड इसी में कंटिन्यू कर लीजिए, अभी आपको समझ में आएगा। हु वाज सो वाइडली रेस्पेक्टेड, हु वाज सो वाइडली रेस्पेक्टेड अमंग ऑल कम्युनिटीज दैट he was invited to lay the foundation stone of the golden temple in Amritsar by the सिख्स। तो सिखों के द्वारा ये जो थे ना हजरत मियां मीर, गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर बाय द सिख, सिखों के द्वारा, तो ये जो मियां मीर थे ना हजरत मियां मीर, ये बड़े ही रेस्पेक्टेड सूफी संत थे, इनको हर कम्युनिटी के लोग मानते थे। तो इनको सिखों ने जब अपना गोल्डन टेम्पल की नींव रखी थी तो उसमें एक स्टोन रखने के लिए इनको भी इन्विटेशन दिया गया था और ये गए भी थे। ये छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन है, अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। बस यहाँ कहानी का सारांश आपको ये समझाया गया है, इतनी बड़ी जो लेख लिखी गई है इसको नहीं भी लिखते हैं तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो पर्शियन स्टाइल का इस्लाम था उसको औरंगजेब फॉलो करता था और इसके ऊपर लाहौर के फेमस सूफी संत हजरत मियां मीर के जो टीचिंग्स थी या जो उनका इन्फ्लुएंस था और उसी को ये अपने लाइफ स्टाइल में फॉलो करते हुए आगे बढ़ता था। बस इतनी सी बात आपको जाननी है कि दारा सिखों के साथ किसका रिलेशन है, कौन से सूफी संत, तो हजरत मियां मीर।
अगर पूरा आप प्री के बेसिस पे देखो तो क्या है, हजरत मियाँ मीर एक सूफी संत हैं जो दारासी को, जिनके मतलब जिनके क्या कहते हैं, जिनको दारासी को अपना गुरु के रूप में मान रहा है, ठीक है ना। इतनी कहानी हो गई, अब इसके आगे की कहानी ये रब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यहाँ से अब फैक्ट आपको स्टार्ट होंगे, वो थोड़ी सी फिलोसफिकल बातें थी, यहाँ से फैक्ट लिखिएगा। दारा सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड ए फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप विद द सेवेंथ सिख गुरु गुर हर राय। तो देखिए, अब पांचवें सिख, तीसरे सिख गुरु का संबंध किसके साथ है? अकबर के साथ। पांचवें सिख गुरु का संबंध किसके साथ है? जहांगीर के साथ। और सातवें सिख गुरु का संबंध किसके साथ मिल रहा है? दारा सिंह को। तो ये मैच द कॉलम में आपको आ सकता है। तो सारे सिख गुरुओं का नाम तीसरे पांचवें छठे सातवें, और कौन किसके साथ, कौन किसके समकालीन है वो आपको याद हो। जैसे पांचवें अर्जन सिंह साथ क्या था, वो खुर्रम का साथ दिए थे। तो क्या किया, जहांगीर ने मौत की सजा दी थी, वहां के सूबेदार ने उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप, सॉरी खुसरो, खुर्रम कराओ, खुसरो का साथ दिया था। खुर्रम तो खुद शाहजहां था, खुसरो का साथ दिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लेकिन दारा सिखो के साथ क्या था, रिलेशंस इतने अच्छे हो गए थे कि सेवेंथ फिफ्थ सेवेंथ गुरु के साथ, गुर हर राय के साथ क्या थे, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती भरे रिलेशन थे। और पंजाब प्रांत का ये सूबेदार था, और पंजाब प्रांत में सिख गुरु भी थे, तो कुल मिलाजुला क्या था, एक अच्छा फ्रेंड रिलेशन चल रहा था। नेक्स्ट लिखिएगा, दारा डिवोटेड मच एफर्ट टुवार्ड्स फाइंडिंग ए कॉमन मिस्टिकल लैंग्वेज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में एक कॉमन रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट लिखिएगा, मतलब कुल मिलाजुला कर ये फिलोसफिकल आदमी था, इसलिए ये वॉर हारता चला गया, इसके पास वॉर के गुण नहीं थे। लिखिएगा, टुवर्ड दिस गोल ही कंप्लीटेड द ट्रांसलेशन ऑफ 50 उपनिषद्स फ्रॉम संस्कृत टू पर्सियन इन 1657। सो इट कुड बी रीड बाय मुस्लिम स्कॉलर्स ऑल्सो। तो उपनिषदों को संस्कृत से पर्सियन में ट्रांसलेट किया किसने, दारा सिखो ने। इसका मतलब इसको संस्कृत सीखनी पड़ी होगी, इसने संस्कृत पहले सीखी होगी, संस्कृत सीखने के बाद उपनिषदों को पढ़ा होगा, और उपनिषदों को पढ़ने के बाद उनका ट्रांसलेशन किया होगा, ताकि
उन उपनिषदों को मुस्लिम स्कॉलर्स भी पढ़ें और उसकी अच्छी बातों को इस्लाम में और हिंदुइज्म दोनों में फैलाएं और उसको अपनाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिएगा, तो इसी से आप समझ सकते हो कितना टॉलरेंट इंसान रहा होगा। नेक्स्ट लिखिएगा, हिज ट्रांसलेशन इज ऑफ्टन कॉल्ड शेरे अकबर, शेरे अकबर द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री वेयर ही स्टेट्स बोल्डली इन द इंट्रोडक्शन हिज स्पेकुलेटिव हाइपोथेसिस दैट द वर्क रेफर्ड टू इन द कुरान एज द किताब अल मकून, किताब अल मकनून और द हिडन बुक इन इज नन अदर देन द उपनिषद। तो इसके हिसाब से जो कुरान है यानी किताब अल मकनून, वो क्या है, उसमें उपनिषद से ही बहुत सी बातें ली गई हैं। एक तरह से क्या है, वो उपनिषदों का ही दूसरा रूप है, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना ज्यादा हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ये रब कर दूं। तो इसके जो जितनी भी रचनाएं हैं, जितना भी वर्क है, वो क्या दिखाता है, वो हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में कोई ना कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिएगा, हिज मोस्ट फेमस वर्क, हिज मोस्ट फेमस वर्क क्या था, मजमा उल बहरेन, ये इसके बुक का नाम है मजमा उल बहरेन, और एक बुक का नाम बताया किताब अल मकनून, ठीक है ना, और दूसरा ट्रांसलेशन है शेरे अकबर, और तीसरी बुक है मजमा उल बहरेन। इसका मतलब क्या होता है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज, बुक का नाम है मजमा उल बहरेन और उसका मीनिंग क्या हुआ हिंदी में, दो समुद्रों का मिलान। तो यहाँ सी का मतलब क्या है, यहाँ सी का मतलब है दो धर्म, एक इस्लाम और एक हिंदुइज्म, ठीक है ना। तो लिखिए कंटिन्यू, हिज मोस्ट फेमस वर्क मजमा उल बहरेन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सी कॉमा करके लिखिएगा वाज also devoted was also devoted to a revelation of the mystical and pluralistic
एफिनिटीज बिटवीन सूफिक एंड वेदांतिक स्पेकुलेशन। सूफिक एंड वेदांतिक स्पेकुलेशन, तो कहीं ना कहीं ये सूफिज्म और वेदांत उनके बीच के भी बीच में रिलेशन बना रहा है, यानी कि सब फिलोसफिकल बातों को ही ये दिखा रहा है, सब स्पेकुलेशन कर रहा है, एक मिस्ट्री सब कुछ दिखा रहा है। नेक्स्ट लिखिएगा, द लाइब्रेरी इस्टैब्लिश्ड, द लाइब्रेरी इस्टैब्लिश्ड बाई दारा सिको स्टिल एग्जिस्ट्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह इंद प्रस्थ यूनिवर्सिटी एंड इज नाउ रन एज ए म्यूजियम बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस लाइब्रेरी को आज म्यूजियम के रूप में मेंटेन करती है। कहाँ पर है? गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कैंपस में। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, दारा सिको इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद द कमिशनिंग ऑफ सेवरल स्टिल एक्सटेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर एमोंग देम द टॉम ऑफ हिज वाइफ नदीरा बानू इन लाहौर द टॉम्ब ऑफ हजरत मीर इन लाहौर हजरत मियां मीर इन लाहौर कॉमा द दारा सिको लाइब्रेरी इन दिल्ली, जो इंद्रप्रस्थ गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है वो दिल्ली में ही है। ठीक है ना, द अखून मुल्ला सा
मॉस्क इन श्री नगर, कहाँ, कश्मीर में हो गया, एंड परी महल एंड हाँ परी महल पैलेस आल्सो इन श्री नगर, सब कहाँ है, इन ये सब कश्मीर में, ये दोनों कश्मीर में है। तो ये इसके द्वारा बनाए गए कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जैसे हजरत मियां मीर की टॉम यानी उनका मकबरा, इसकी वाइफ नदीरा बानू का मकबरा लाहौर में, तो हो सकता है कि लाहौर वाला ना पूछा जाए, पर लाइब्रेरी, और ये क्या है, अकून मुल्ला शाह मॉस्क श्रीनगर और परी महल पैलेस श्रीनगर। तो यहाँ पर ये दो चीज़ आपसे हो सकता है कि आर्ट आर्किटेक्चर में पूछ ली जाए। तो दारा सिकोह की यही कुछ ऐसी बातें थी, और इन्हीं सब बातों से, और जो औरंगजेब था वो ऑर्थोडॉक्स था, तो इसके इन्हीं सब अच्छी बातों से क्या था, औरंगजेब को दिक्कत थी, इसीलिए उसने इसको क्या किया, इस्लाम से बाहर करवा दिया, इसलिए इस्लाम से बाहर करवा दिया, और बाहर करवा के इसकी हत्या करवा दी। ठीक है, तो इस तरह हमने दारा सिकोह की छोटी सी एक कहानी थी, खास करके फिलोसफिकल ही थी सब कुछ, कुछ फैक्ट थे जो कभी कभार बाय द चांस आपसे पूछे जा सकते हैं, पर इसको ये मान के चलिए कि 90% कि नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी समय कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसमें इसका नाम उभर कर आ जाता है। जैसे कुछ समय पहले भारत सरकार ने क्या किया था, दारा सिकोह की कब्र खोजने के लिए एक मुहिम छेड़ी थी, मुहिम कहने का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा गया था कि दारा सिकोह की कब्र ढूंढिए, तो इस वजह से दारा सिकोह क्या हो गया था, न्यूज में आ गया था। अब जब न्यूज में आ गया तो उसके द्वारा किए गए काम भी क्या हो जाएंगे, न्यूज में आ जाएंगे। तो किसी को नहीं मालूम कि औरंगजेब ने हत्या करके उसको कहां दफनाया, अभी तक दारा सिकोह की कब्र क्या है, एक क्योंकि हिस्ट्री में कहीं दर्ज नहीं है, और जब वो उसको इस्लाम बाहर कर दिया था तो उसकी कब्र वो क्यों बनवाए औरंगजेब, तो औरंगजेब ने उसकी कब्र बनवाई नहीं, तो दारा सिकोह को कहां दफनाया गया, क्या किया गया, नहीं किसी को मालूम। क्या उसको इस्लामिक रीति रिवाज से भी तो नहीं दफनाया गया होगा ना, क्योंकि उसको इस्लाम से बाहर कर दिया गया था, काफिर घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से ऐसी बहुत सी चीज़ें थी, तो इस वजह से दारा सिकोह न्यूज में आ गया था। तो यही छोटा सा पॉइंट है, अगर याद रहो सके तो हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो दारा सिकोह और औरंगजेब का बैटल, जो आपको वॉर ऑफ सक्सेसन, वही याद रखना है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। तो इस तरह से दारा सिकोह को भी हमने देख लिया। तो दारा सिकोह बस एक समय न्यूज में था, इस वजह से आपको कुछ उसके बारे में बातें बता दी गई हैं, बाकी आप नहीं भी इसको पढ़ते हो 90% चांस है दारा सिकोह से आपसे क्वेश्चन नहीं ही बनेगा। एक तो वैसे ही अब मिडवल इंडिया का के हिस्सेदारी और कम हो गई है क्वेश्चंस में, तो दारा सिकोह के बारे में एक बार बस न्यूज बनी थी, इस वजह से आपको यहाँ पर बता दिया गया, बाकी और नहीं भी आप पढ़ेंगे तो चलेगा। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में, और औरंगजेब के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, और कौन कौन से उसके बैटल्स थे, मराठों के साथ क्या रिलेशन थे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियोज, सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो शेयर द वीडियोज टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी देखें। और यहाँ आपको डिटेल में लिख लिख कर बताया जा रहा है, जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको शॉर्ट में भी चीज़ों को बताया जाएगा, तो वो एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी, लेकिन पहले आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ लीजिए, फिर डिटेल में पढ़ने के बाद फिर उसके शॉर्ट में पढ़िए।
ठीक है। और यहाँ से चाहोगे तो आप खुद ही डिटेल से शॉर्ट नोट खुद जब बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन प्लीज़ लाइक द वीडियोज, सब्सक्राइब द चैनल, और जितनी बार आप देखोगे उतने बार आपको चीज़ें रिवाइज होंगी, याद होंगी, और डिटेल में याद होंगी और लॉजिक के साथ याद होंगी, क्योंकि मैंने उस पॉइंट को हमेशा पीछे से, यानी कि उससे पहले अगर उसके बारे में कुछ पढ़ा है तो उसके साथ रिलेट करके ही आपको बताया है। सो वीडियो को देखिए, उससे नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए, तो आपके लगभग लगभग 95-99% डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा शायद ही किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, एंड वंस अगेन प्लीज़ लाइक द वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।